नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। मूलचंद साहू और कमलेश साहू द्वारा किए गए अवैध निर्माणों की जांच के सिलसिले में सीताराम डेरा थाना प्रभारी अंजनी कुमार रविवार को चार अलग अलग जगहों पर पहुंचे। इनमें सरकारी मध्य एवं उच्च विद्यालय के पास एक मकान, शीतला मंदिर और भालूबासा चौक स्थित एक तीन तल्ला मकान शामिल है। बताया जा रहा है कि किसी ने डीआईजी कोल्हान से इसकी शिकायत की है। मूलचंद साहू और कमलेश साहू दोनों ने सीताराम डेरा क्षेत्र के अलग अलग चार स्थानों पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर मकान बनवाया है। डीआईजी ने हेडक्वार्टर डीएसपी पवन कुमार को इसकी जांच कराने के निर्देश दिए। डीएसपी के आदेश पर सीताराम डेरा थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने रविवार को अवैध निर्माणों की जांच की। सीताराम डेरा थाना प्रभारी अंजनी कुमार का कहना है कि चार अलग अलग जगहों की उन्होंने जांच की है। जांच की रिपोर्ट वो डीएसपी हेडक्वार्टर को सौंपेंगे। कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक आवेदन दिए थे जांच करने के लिए, इसी संदर्भ में आज हम लोग तीन चार जगह आके जांच कर रहे हैं। जांच का विषय वस्तु ये है कि इस आवेदन में कमलेश साहू, मूलचंद साहू के द्वारा जो अवैध ढंग से मकान निर्माण किया गया है, इसके संबंध में ये जांच है। हम लोग उसी संबंध में जांच कर रहे हैं। शीतला मंदिर के सामने किए हैं, ये मध्य उच्च विद्यालय जो है यहाँ किए हैं, भालूवासा टीओटी के सामने एक तीन तल्ला इमारत है उसमें किए हैं। चार जगह हम लोग जांच किए हैं। डीएसपी साहब पूछे हैं, हम लोग डीएसपी साहब को इस जांच का रिपोर्ट देंगे। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।